लोकतंत्र की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, एक साल से प्रवक्ताओं को भेजना मेरे कार्यक्रम में बंद कर दिया है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मुझसे क्यों डरते हैं। रात को जो एंकर आ रहा है, जिसको अच्छा खाया पिया, जिम में जाकर बहुत सारे एंकर फिट भी हैं आजकल, तो उससे पता चलता है कि अपने ही मोहल्ले में नहीं गए होंगे कई साल से घूमने जिम के अलावा। तो मैं भारत का तो अखबार नहीं हूं भाई कि 300 खबरें लेकर रोज छप जाया करूंगा, मैं तो कोई एक ही करूंगा ना। मैं भी एक लीला देख रहा हूं कि जिस वक्त आप अपने आप को सर्वशक्तिशाली होने के क्षण में महसूस कर रहे हैं, उसी वक्त में एक मामूली पत्रकार से आप डरे हुए हैं। ज्यादा लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, पब्लिक डोमेन में कुछ डालते नहीं है। हमको कहानी सुनाकर खुद को बेचना तो नहीं है ना। मैं चाय बेचता था, है ना, आ रहा हूँ 20 करोड़ के हेलीकॉप्टर से, मैं कह रहा हूँ चाय बेचता था, LED स्क्रीन लगा दिया, मैं कह रहा हूँ मैं सबसे बड़ा गरीब आदमी हूँ, वो मुझे करना नहीं है। लोकतंत्र की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, एक साल से प्रवक्ताओं को भेजना मेरे कार्यक्रम में बंद कर दिया है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मुझसे क्यों डरते हैं। मेरे पास ना तो जीवन का सत्य है अंतिम, ना ही इस सरकार का अंतिम सत्य है, मैं तो यात्री हूं, मुझसे क्यों डरते हैं आप? आपके साथी पत्रकार सीधा सीधे अर्णब गोस्वामी के बारे में बोलते हैं, हर किसी के पास कुछ खूबियां होती हैं, तो फिर आपको अर्णब गोस्वामी जी में क्या खूबियां नजर आती है या फिर क्या? देखिए, मैं कोई बॉन्डविटा कॉम्प्लेक्स में नहीं आया हूँ, ठीक है, कंपटीशन में नहीं आया हूँ कि उनकी खूबियां बताऊंगा, ठीक है, ये इसको रहने दीजिए, उनमें जब खूबियां नजर आ जाएंगी तो वो भी बता देंगे आपको। प्रधानमंत्री ये इकलौते शायद प्रधानमंत्री हैं जो पूरा कार्यकाल बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनके बीत गया, और आपको भी चाहत रही कि एक बार वो समय दें, अगर वो आप समय मिलता तो आप प्रधानमंत्री से एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछते? यही कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं। आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट जबरदस्त है रवीश, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी, आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड। पहली बार मैंने आपको ऐसे फेस टू फेस सुना है, और बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें तो खैर कोई शक है ही नहीं। कंटेंट जो है उस पर बाद में, लेकिन जैसा संदीप ने कहा, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उस मानक में दुकानदार नहीं हूं। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, ये बात तथ्य है, ये सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं है। मैं राजदीप को सिर्फ इसीलिए कोट कर रहा हूँ। वो आप राजदीप को कोट कर दें, मेरे एडिटर रहे हैं, आप किसी को भी कोट कर दें, लेकिन जो मैं अपनी बात कहता हूँ वो मैं बात कहता हूँ, और ये पॉजिटिव बात है। मैं मर्डर को आप मर्डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जनता ने तो ये नहीं कहा ना कि हम मोदी जी को चुनते हैं, हम उनके पीछे जिंदाबाद कर रहे हैं, तो आप लोग भी जिंदाबाद करो हमारा। ये तो जब मीडिया ने नहीं कहा ना, जनता ने नहीं कहा, लेकिन मीडिया मोदी के कवर में बैठ के, क्योंकि क्या है, क्यों करता है बताऊं, कि एक तो डर के मारे अब कर नहीं सकता असली काम, बात यह है, तो औकात नहीं है, नंबर वन। दूसरा ये है कि लो कॉस्ट चमचागिरी का फॉर्मूला है, मोदी मोदी करते रहो, उनका जो भी एजेंडा है उसको लेकर रोज शाम को बैठ के उस पर करते रहो, तो उसमें चवन्नी खर्च नहीं होता है, ऐड वही मिल रहा है, कमाई वही हो रही है, तो एक एंकर बैठना है, दो दिल्ली के फालतू लोग हैं जिनको शाम में काम नहीं है, वो आके झगड़ा करते हैं और वो गुजर जाता है, वो एक घंटा बीत जाता है। तो कोई मजाक में या फिर किसी भी प्रकार के रिएक्शन में ये बात नहीं बोलता कि आप टीवी देखना छोड़ दें, बहुत सोच समझ के बोलता हूं, और अगर आप देख रहे हैं तो अप्लाई कीजिए, सवालों को अप्लाई कीजिए, देखिए, सोचिए कि यह क्या दिखा रहा है, फिर आप समझ जाएंगे कि इसका खेल क्या चल रहा है। रात को जो एंकर आ रहा है, जिसको अच्छा खाया पिया, जिम में जाकर बहुत सारे एंकर फिट भी हैं आजकल, तो उससे पता चलता है कि अपने ही मोहल्ले में नहीं गए होंगे कई साल से घूमने जिम के अलावा, लेकिन फिट है, अच्छी बात है, हेल्थ होना चाहिए, तो वो रात को आके इतनी जहर क्यों फैलाते हो भाई? तुम इतने हेल्दी लग रहे हो, तुम इतने हैंडसम भी लग रहे हो, सब लग रहे हो, तुम इतनी नफरत क्यों फैला रहे हो, क्या कमी रह गई है तुम्हारे? अबे नहीं, वो ठीक है, मैं सवाल पे आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये था, जैसे राजदीप को और बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि मीडिया के बंटने के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई संतुलन नहीं है। 90% मीडिया अगर एक तरफ हो जाए तो ये दुकान नहीं चलानी चाहिए कि दोनों तरफ के लोग बट गए हैं। फिर जो मैंने कार्यक्रम किया है, फिर उसमें से आप कमियां निकाल के बताइए।
फिर उस पर बात कीजिए, ये चला दीजिए कार्यक्रम और फिर उस पर बात कीजिए कि ये आपने चलाया। अच्छा दूसरा ये मत कीजिए कि आपने वो नहीं किया। तो मैं भारत का तो अखबार नहीं हूँ भाई कि 300 खबरें लेकर रोज छप जाया करूंगा, मैं तो कोई एक ही करूंगा ना। देखिए ये जो टीवी चैनल वाले हैं ना तो लोकतंत्र के प्रति वफादार हैं ना अपने शहर के प्रति वफादार हैं, ये किसी के नहीं है। अगर ये अपने शहर के प्रति वफादार होते तो जितना समय वो किम जोंग पे लगाते उससे कुछ तो कम समय है वो शहर के किसी स्कूल पे दिखाते, अस्पताल के बारे में दिखाते। क्यों सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की भाषा में इतनी तल्खी है, इतना झूठ, इतना सारा चीज क्यों है भाई? थोड़ा हंसा भी कीजिए, दिवाली होली में बुलाया भी कीजिए। ये और बात है, मैं गया नहीं उनसे कहने के लिए कि आप क्यों नहीं मुझे बुलाते हैं। मैं उनसे ये भी नहीं कहने गया कि आप मेरे कार्यक्रम में अब क्यों नहीं आते हैं। मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं। मैं भी एक लीला देख रहा हूं कि जिस वक्त आप अपने आप को सर्वशक्तिशाली होने के क्षण में महसूस कर रहे हैं उसी वक्त में एक मामूली पत्रकार से आप डरे हुए हैं। तो मैं दूर से देख रहा हूं कि दरअसल आपके पास सत्ता है पर ताकत नहीं है। दरोगा और इनकम टैक्स के ऑफिसर के दम पर बहुतों को डराया जा सकता है, उस डर का आप क्या करेंगे जिससे आप खुद डरे हुए हैं? अब देखें कि 5-6 साल का टीवी पे क्या चला, जिस टीवी को इन्होंने गोदी मीडिया बनाया उसी के बारे में हमारे चीफ हिस्टोरियन स्लैश ऑब्लिक गृह मंत्री जी कहते हैं कि आज तक का एजेंडा है आम आदमी पार्टी को जिताना। दिल्ली के मतदाता से अनुरोध है, मेरी आत्मा उनके अंदर चली गई है, कुछ अच्छा होगा, मैं कह रहा हूं अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अब आने वाले अच्छे दिन, क्योंकि मेरी आत्मा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में चली गई। मैंने कहा टीवी मत देखिए, वो कह रहे माध्यमों की जरूरत है। अब अमित शाह देखिए वो सीधा सीधा बोलते हैं, जब रवीश कुमार की लाइन है तो सीधा सीधा बोलते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि दिल्ली के मतदाता से अनुरोध है कि आज तक की खबरों पर भरोसा ना करें, चैनल जो कर रहा है येलो जर्नलिज्म का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। शब्द शब्द कोट किया है उनको, गांधी की तरह काम नहीं किया कि गांधी का आधा कोट किया और आधा नहीं। अब जब मैं इस तरह से बोलूंगा इसका एक ही जवाब है, मुझे लाठी से पिटवाई, जो बोला है उसका जवाब नहीं। जो आदमी टीवी के जरिए देश में आता है वही आदमी कह रहे हैं आज तक को मत देखो, जिस आज तक ने अपनी सारी गरिमा ध्वस्त करके चरणों में कहता हूं कि जब एक बाल खोदोगे तो कुछ नहीं बचेगा। आज तक ने अपना एक बाल खो दिया था। अगर आप सत्य की तलाश करेंगे तो आपको बहुत सारे रिपोर्टर रखने पड़ेंगे। अब आपके पास रिपोर्टर नहीं है, ले आओ स्टार, तो स्टार आ जाता है। स्टार का तो कपड़े में तो देखिए स्टूडियो में एसी में है, उसके तो सर्फ के भी खर्च नहीं होते होंगे। एसी में बैठने से शर्ट थोड़ी गंदा हो जाता है, आप तो 4 दिन भी पहन सकते हैं, वो आप 2 महीने पहन सकते हैं। ये मॉडल है कि रिपोर्टिंग को हटा दिया गया, एंकर को लाया गया और एंकर को परसेप्शन बेस्ड इशू दे दो। गैर राजनीतिक क्या होता है? वे उम्मीद सुषमा जी का उससे मिलना और प्रियंका गांधी का उससे मिलना दोनों गलत है या दोनों सही है? फर्क है, दोनों में फर्क है। आप फर्क करेंगे उनके रिश्तेदारियों से करेंगे? नहीं, सुषमा स्वराज की क्या रिश्तेदारी हो गई? फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके नहीं, सुषमा जी जब फॉरेन मिनिस्टर के बतौर फॉरेन मिनिस्टर मैं इतना छोड़िए बतौर फॉरेन मिनिस्टर के गए थे तो स्वाभाविक रूप से जब 100 लोग वहां आए और बारी बारी सब मिल रहे थे तो इनको भी मना नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश के भगोड़े हैं, वहां तो भगोड़े नहीं है। कन्विंसिंग लग नहीं रहा समीर भाई, आके मिल गए जम नहीं रहा। आप मुझे ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब अपने लोगों को जज नहीं बनाया जा रहा? नहीं नहीं, देखिए कमिटेड जुडिशियरी एक ऐसा शब्द है, अगर आप डरा देंगे तो मैं मान लूंगा। नहीं सुनिए ना, कमिटेड करना अच्छा लगता है। द्वार है बनारस से होने जा रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव मैदान में है, बीजेपी, क्या बीजेपी गैर राजनीतिक हो सकती है? क्या उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक गैर राजनीतिक हो सकते हैं? इसके बाद भी
लेकिन हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं, वे कुछ भी हो सकते हैं, गैर राजनीतिक हो सकते हैं। आज उन्होंने डिसाइड किया कि आज बुधवार है, मैं गैर राजनीतिक होना चाहता हूं, वो हो सकते हैं। इसलिए राजनीति से हटकर कुछ किया जाए, गैर राजनीतिक प्राइम टाइम देखा जाए। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.